दोस्तों, हम और आप जो जीन्स पहनते हैं, क्या वो मगर की खाल से बनाए जाते? आखिर क्या सच में जीन्स कॉटन से बनाए जाते या फिर सड़े हुए कचरे से? आखिर एक जीन्स को बनाने में कितना समय लगता है और कितने लोग एक जीन्स को बनाने में मदद करते? चलिए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। सबसे पहले जीन्स को बनाने के लिए कुछ खास जगहों से कॉटन को इम्पोर्ट किया जाता है। इस कॉटन को दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन की मदद से मंगाया जाता है। जब अच्छी मात्रा में ये कॉटन इकट्ठा हो जाती है तो इसे फैक्ट्री में लाया जाता है। ये कॉटन बहुत ही ज्यादा होती है क्योंकि इसी कॉटन से बहुत सी जीन्स को बनाया जाता है। जब ये कॉटन, जिसे हम रुई भी कहते हैं, ये फैक्ट्री में आती है तो इसकी क्वालिटी और इसकी टफनेस को देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो कॉटन जितनी ज्यादा लंबी होती है उतनी ही इसकी क्वालिटी अच्छी समझी जाती है। सबसे पहले इस कॉटन को फैक्ट्री में ब्लेंड किया जाता है। इसके लिए कॉटन को एक फ्लोर रूम में ले जाया जाता है। अब ये कॉटन का पूरा गुच्छा होता है जिसे एक मशीन ऊपर से उठा लेती है और फिर इन्हें दूसरी मशीन से गुजारा जाता है। इसके बाद इन कॉटन को एक खास मिक्सचर में डाला जाता है। लेकिन जब इस कॉटन को इस मशीन से गुजारा जाता है तो इसमें से जो बेजान और बेकार कॉटन होती है वो अलग हो जाती है और जो फ्रेश और अच्छी क्वालिटी की कॉटन होती है वो हमें मिल जाती है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर जीन्स का कलर या तो लाइट ब्लू होता है या फिर इंडिगो ब्लू होता है। इसी रंग की जीन्स मार्केट में बहुत ज्यादा बिकती है। इसके लिए इन धागों को इसी रंग में रंगा जाता है और इन्हें एक टाई के अंदर डालते हैं। डेनिम के कलर के लिए इन कॉटन को इंडिगो ब्लू डाई में डाला जाता है जिससे इन कॉटन में अच्छे से कलर हो सके। लेकिन एक परेशानी ये भी होती है कि ये डाई पानी को अपने अंदर सोखने की कैपेसिटी नहीं रखती है, जिसका मतलब है कि ये डाई मजबूत और पक्की नहीं है। अगर इसे जीन्स के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये चीज से हट जाएगी और लंबे समय तक टिकेगी नहीं। इसीलिए दोस्तों इनको इस डाई के अंदर नहीं डालते हैं, बल्कि इस डाई को सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ अच्छे से मिला लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस केमिकल को डाई के साथ शामिल क्यों किया जाता है। हम आपको बता दें, जब डाई को सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ मिलाया जाता है तो ये पानी को अपने अंदर सोखने की क्षमता रखता है जिससे यह जींस पर आसानी से चढ़ जाती है। जब यह प्रोसेस भी सक्सेसफुली हो जाता है तो इसके बाद कपड़े की क्वालिटी को जांचा जाता है। जांच के दौरान कपड़े पर जहां जहां भी खराबी होती है उस जगह पर निशान लगा दिया जाता है जिससे आगे उसे सही कर दिया जाए। अब ये कपड़ा पूरी तरह से तैयार है, इसीलिए इस जीन्स के कपड़े का बंडल बना दिया जाता है और सिलाई के लिए आगे भेज दिया जाता है। यहाँ जीन्स को तैयार करने के लिए कपड़े के अलग अलग पार्ट्स काटे जाते हैं। सिलाई करने में सबसे पहले जीन्स की पॉकेट पर काम किया जाता है। पॉकेट को बनाने के लिए दोस्तों हाथों का नहीं बल्कि एक खास सिलाई मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कपड़ा डालते ही पॉकेट का अपने आप डिजाइन बन जाता है और तैयार होकर बाहर आ जाता है। इसके बाद कपड़े के साइड में सिलाई लगाई जाती है ताकि धागे निकलने की गुंजाइश ना रहे। फिर इसके बाद जीन्स को ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से सिलाई लगाई जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ता जाता है। उसके बाद हुक और चेन लगाने के लिए इस पर 2-3 लेयर्स की सिलाई लगाते हैं और फिर इन हुक और चेन को जीन्स पर लगाया जाता है। अब यह पूरी तरह से हो गई है तैयार, लेकिन अभी थोड़ा सा काम और बाकी है। बेल्ट लगाने के लिए इसमें नाके बनाए जाते हैं और उस पर सिलाई की जाती है। जीन्स तैयार होने के बाद इन्हें वॉशिंग चैम्बर में भेजा जाता है जिससे ये अच्छी तरह से साफ हो जाए। इसके बाद फिनिशिंग की जाती है। इसके लिए एयर फ्रेशर सिस्टम की मदद ली जाती है जिससे अच्छे से इसकी सफाई हो जाए। इससे जीन्स एकदम टाइट हो जाती है और सही से इसे चेक किया जाता है। इसी समय पर जीन्स पर जो भी डिजाइन देना होता है वो दिया जाता है। डिजाइन देने के बाद लिक्विड स्प्रे छिड़का जाता है और फिर इसे डिजाइन देने के लिए एक लेसर मशीन से गुजारा जाता है। ये लेसर सिस्टम अपने आप ही जीन्स पर डिजाइन बना देता है। इसके बाद इनमें हीट दी जाती है और फिर इन जीन्स को अच्छे से ब्रांडिंग करते हैं और पैक होने के लिए जीन्स को भेज देते हैं आगे, जहां इनको पॉलिथीन में अच्छे से पैक कर दिया जाता है और फिर ये जीन्स मार्केट में बिकने के लिए बिल्कुल रेडी है।